राधे राधे दोस्तों, आप सबका अपने ही इस चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शुभ आशीर्वाद। आज मैं आपको किसी भगवान की कहानी या कथा नहीं सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको एक सत्य घटना बताने जा रही हूँ जो कि मेरी माता जी के साथ हुई थी। आप विश्वास करें या न करें, लेकिन ये शाश्वत सनातन सत्य घटना है। उन दिनों में मैं 3.5 साल की रही होंगी। दोपहर का समय था, मेरी माँ जो है वो सो रही थी। गेट के बिल्कुल पास ही उन्होंने चारपाई बिछा रखी थी, जो मेन गेट होता है। आजकल घरों की बनावट अलग होती है, पहले कुछ अलग ही होती थी। तो पहले कोई पंखे वगैरह तो होते नहीं थे, गर्मी के दिन थे, ऐसे ही थोड़ा सा दरवाजा बंद करके वो लेटी हुई थी। मेरा छोटा भाई था, 6 महीने का रहा होगा, वो साथ में सोया हुआ था। तो माँ ने क्या देखा कि एक जो है गाय आती है और गेट के धक्का मारती है, गेट खुल जाता है। खुलते ही वो माँ को उठाती है कि उठो, मैं तुम्हें लेने आई हूं। वो एक नारी बन जाती है, गाय बनकर धक्का मारा, फिर एक नारी बनकर उठा रही है। तो माँ ने सोचा कि ये मुझे क्यों उठा रही है, क्या कहाँ लेके जाना चाहती है। माँ ने पूछा कहाँ लेके जाओगी, कहती धर्मराज ने तुम्हें बुलाया है, चलो अब तुम्हारे दिन जो है खत्म हो गए। तो माँ ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है और मैंने तो बहुत वर्षों अपनी बेटी के लिए इतने व्रत उपवास किए, तब जाके मुझे पुत्री मिली, अभी तो मुझे उसके लालन पालन का सुख भी नहीं मिला है। कहती है मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने इतना सुनकर, हमारे सामने क्या है, दो औरतें रहती थी जो मेरी माता की परम मित्र थी, वो आ जाती हैं। वो कहती है कि तुम क्यों जिद कर रही हो। उसने कहा मैं लेकर जाऊंगी, माँ मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने माँ को समझाया कि ऐसे करो, चली जाओ, देखो कि ये क्या करती है। तो माँ जो है मेरे छोटे भाई को वहीं सुलाती हैं और उसके साथ चली जाती हैं। अब वो देखती हैं कि आगे घनघोर जंगल ही जंगल है, कुछ दिखाई नहीं देता। इतने में जो औरत उनको लेकर गई थी उसे याद आ जाता है कुछ, और वो माँ को ये कह देती है कि सामने चली जाओ, और खुद अदृश्य हो जाती है। अब माँ अकेली है। आगे उन्होंने देखा कि एक बहुत ही भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। वो धर्मराज थे, उन्होंने धोती पहनी हुई थी, जनेऊ गले में डाला हुआ था। उन्होंने देखा कि आगे 2 तेल के कढ़ाए जो हैं वो उबल रहे हैं। माता जी ने देखा वहां का वातावरण बहुत ही अच्छा है, जो जो माँ ने बताया था वो बता रही हूं कि रिमझिम रिमझिम हो रही है, इतना सुगंधित वातावरण है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तब माता जी जहां धर्मराज बैठे हुए थे उनके पीछे जाके खड़ी हो जाती हैं। तो जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने कहा कि चली जाओ, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। इतना सुनना था कि माँ की नींद खुल जाती है। अब माँ हैरान है, परेशान है, भाई वहीं लेटा हुआ है, खुद भी वहीं लेटी हुई है, हमारा दरवाजा जैसे बंद किया था वैसे बंद पड़ा हुआ है। अब वो ये कहानी क्या है, जो भी उन्होंने स्वप्न में देखा वो सबको बताने के लिए व्याकुल है। उन दिनों में क्या कोई टीवी वगैरह तो होते नहीं थे। हमारे घर के दहलीज पर आस पड़ोस की सभी औरतें जो है आकर बैठ जाती होती थी, अपने सुख दुख करती थी। तो ये स्वप्न उन्हें 2 बजे के करीब आया था। जब 4 बजे दिन ढल गया तब जो है औरतें आई, तो माँ ने अपने ये स्वप्न की सारी बात उन्हें बताई। तो उनमें एक कृष्णा नाम की लड़की थी, उसने बताया माँ को, कहती कि मासी गौशाला रोड पर
आपके ही नाम राशि एक औरत 2 बजे जो है उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि वो औरत जो लेने आई थी वो गलती से माँ के पास आ गई थी, उसको लेकर तो उस औरत को जाना था। तो ये बिल्कुल सत्य घटना है। लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये सब कुछ है जो हमें वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में देखने को मिलता है। धन्यवाद।